जवाब वकील, भक्तों बहुत सारे भक्तों के प्रश्न हैं और ये समस्या अक्सर आती है। कई बार शुरुआती दिनों में मुझे भी इस समस्या ने ग्रस्त किया है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो अजीबोगरीब गंदे ख्याल, अजीबोगरीब गंदे विचार, अजीबोगरीब गंदे दृश्य हम देखते हैं। कई बार मानव संभोग के दृश्य हम देखते हैं, लड़के लड़कियों के आपस के दृश्य हम देखते हैं, कई बार जानवरों के साथ संभोग के दृश्य देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत गलत गलत गंदे गंदे विचार आने लगते हैं, किसी के प्रति किसी के बारे में विचार गलत आने लगते हैं हमारे मन में, और ये अक्सर जब होता है जब हम पूजा करने बैठते हैं। नॉर्मली पूरे दिन हम सही रहते हैं, हमें कोई विचार नहीं आता, कैसे भी कोई कुछ नहीं होता, पर जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें ऐसे गंदे गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। और ये समस्या दोनों में होती है, मतलब लड़कियों में भी होती है और लड़कों में भी होती है, दोनों को लोगों को समस्या होती है। और यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ केवल जवान लड़के लड़कियों की बात नहीं है, ये समस्या शादीशुदा औरतों में, आदमियों में काफ़ी एज तक आती है, समस्या होती है, अक्सर होती है। तो अगर आपको भी ये समस्या हो रही है, या आपके किसी मित्र को, या आपके किसी जानकार को, या आपके किसी रिश्तेदार को ये समस्या हो रही है कि उसको पूजा के समय पर गंदे विचार आते हैं, गंदे दृश्य दिखाई देते हैं, या उसका मन गंदा कार्य करने के लिए करता है, संभोग के लिए करता है, तरिया चरित्र को समझने के लिए करता है, तो ये वीडियो आप स्वयं भी देखें और उस व्यक्ति को, उस दोस्त को, उस रिश्तेदार को अवश्य भेजें। ये बहुत बहुत सावधानी वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर पूजा के समय आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या से निदान पाना आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय बाबा की। भक्तों बाबा का जो ये चैनल है चेला गोरखा, इसको अभी आप जहाँ नाम आता है ना चेला गोरखा, उसके बराबर में लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उस बटन को दबाकर उसको सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो को शेयर कर दें, और हर जरूरतमंद भक्त तक जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उस भक्त तक इसको पहुँचाएं। ये भी बाबा की सच्ची सेवा है, आप ये कार्य ज़रूर करें। जय बाबा की। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय धाम की, जय बागड़ सरकार तेरी सदा है, जय मेरे बाबा। तो बच्चों, अगर आप इस तरह से दर्शकों से परेशान हैं, भक्तों इन सब चीज़ों से, गंदी चीज़ों से परेशान, तो आप एक बात समझ लीजिए कि इसके दो कारण हो सकते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि आप किसी न किसी शक्ति के साथ चल रहे हैं, यानी कोई ना कोई शक्ति आपके साथ चल रही है, पर वो शक्ति नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। तो आप किसी शक्ति से चलें, वो शक्ति नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, यह पहली है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही शक्ति, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है उससे, आपका यकीन मानेगा आपको बहुत नुकसान हो सकता है उससे, क्योंकि वो शक्ति जब नेगेटिविटी पर हावी हो जाएगी, जब उसके ऊपर शक्ति के ऊपर, तो पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएगी और आपके घर में आपको नुकसान पहुंचा देगी 100%। तो इसलिए उससे बचना चाहिए आपको। उस वक्त आप क्या करें, उस वक्त हमेशा एक काम किया करें, जब भी आपको पूजा पाठ में ऐसे विचार आए, जब भी आपको पूजा पाठ के समय ऐसा कुछ भी हो, तो गंगा जल लें हाथ में और अपने ऊपर छिड़क लें और थोड़ा सा गंगा जल का आचमन कर लें। आचमन करना मतलब गंगा जल पी लें, ठीक है, गंगा जल पी लें और पूरा अपने ऊपर छिड़क लें। और जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, देखिए मंदिर में तो बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं, पर जिसको आप लिटरली मानते हैं उसका एक बार आह्वान करें, जोर से आह्वान करें उसका, ठीक है। तो ये उसका उपाय है। और ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई शक्ति है, आपकी बातें होती हैं, समझते हैं आपको, और वो नेगेटिव तरह जा रही है, अगर आपको पूजा के समय ये चीज़ें हो रही हैं, वो नेगेटिव तरह जाती है, तो उसको पॉजिटिविटी करने के लिए आपको सबसे पहला काम यही करना है कि जब भी आप पूजा पर बैठें प्रतिदिन, जब तक ये चीज़ें हटती नहीं हैं, तब तक आप प्रतिदिन जो है गंगा जल का आचमन करें, गंगा जल का अपने ऊपर छिड़काव करें, तब पूजा करने बैठें, ठीक है। गंगा जल पिएँ और गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर करें, गंगा जल छिड़कें अपने ऊपर, उसके बाद आप पूजा करने बैठें, उससे पहले पूजा करने ना बैठें, पूजा शुरू ना करें, ठीक। और दूसरा कारण जो इसका ये होता है, आजकल हम लोग चल चरित्र देखते हैं, वीडियो गेम्स सीरीज, वेब सीरीज, चाहे फिल्म या कुछ भी है, जो कि आज की डेट में मैं मानता हूँ कि 90% जो कंटेंट होता है, 90% जो चीज़ें हैं वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग वो देखते हैं, बच्चे वो देखते हैं, नए लड़के लड़कियाँ वो देखते हैं, यहाँ तक कि शादीशुदा औरतें, आदमी भी वो देखते हैं,
तो उसकी वजह से भी हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें हमेशा जब भी एकांत मिलेगा, जब भी एकांत मिलेगा हमें, हमारे दिमाग में वही चलने लगता है। और पूजा के समय सबसे ज़्यादा एकांत होता है आदमी के पास। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो हमें क्या करना है, हमें उन सब चीज़ चरित्रों से, उन सब चीज़ें वेब सीरीज वगैरह जो हम मोबाइल में वगैरह में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं या सिनेमा में देखते हैं, उन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करनी है, वो नहीं देखने, उन सीन्स से बचने की कोशिश करनी है, उन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से बचने की कोशिश करनी है हमें, तो हम इस तरह से ठीक हो सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। इसका कारण मैंने सबसे पहला जो कारण बताया ना, नेगेटिव तरफ जाना, वो ज़्यादा नुकसानदायक है, ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी ऐसी चीज़ें हों आपके साथ, तो अपने गंगा जल पिए और गंगा जल की छिड़काव अपने ऊपर करें, और अपने इष्ट को पूरे भक्ति से याद करें, उसको आह्वान करें कि हमें बचाइए, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, उसका आह्वान करें पूरी भक्ति से, पूरी ईमानदारी से। आप यकीन मानिएगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके ये सभी दृश्य खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन में पूजा पाठ जो है वो कर्म बिल्कुल सीधा हो जाएगा, सत्य सनातन की तरफ चला जाएगा। तो गुरु गोरक्षनाथ महाराज आपके सभी के साथ रक्षा करते हैं। जिस भी वक्त के साथ ऐसा होता है वो कमेंट में अपना नाम अवश्य बताएं मुझे, कमेंट ज़रूर करें मुझे, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें ताकि सभी का लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक ये चैनल पहुँच सके और उनको लाभ हो सके। जय जय श्री सिद्ध गोरक्षनाथ। जय धाम।